हेलो गाइस, दिस इज़ एनके राव फ्रॉम जीनियर स्टडी चैनल। तो जीनियर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है जी। मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपको, जो DSSB का पेपर हुआ है, दिल्ली का ये पेपर है, इसमें कुछ करेंट के क्वेश्चन आए हुए हैं, उन करेंट के क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। उसके अलावा जो कुछ स्टेटिक्स भी क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करूँगा। तो आपको मैं बता देना चाहूँगा, एक पेपर जो था, कुछ क्वेश्चन आपको UPSC लेवल के भी आए हैं, पेपर आसान नहीं था इसका, तो इसका कटअप भी लो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या है जी, रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करें, इसका कुछ करेंट अफेयर का डिस्कस कर लेते हैं जी। तो चलिए, तो दिल्ली स्पेशल है तो कुछ दिल्ली के बारे में जान लेते हैं जी। तो दिल्ली के बारे में जानते हैं, तो दिल्ली के CM कौन है जी, तो अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के डिप्टी CM कौन है जी, तो मनीष सिसोदिया है। मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री भी वहाँ के हैं। बात की जाए वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जी, वहाँ पर देखिए दिल्ली में जो भी केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे क्या होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन होते हैं, होते हैं जी। तो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजाल हैं। बात की जाए चीफ जस्टिस कौन है जी, तो राजेंद्र मेनन है वहाँ पे। दिल्ली का कैपिटल क्या है, तो न्यू दिल्ली है जी। बात की जाए तो यहाँ का मुख्य सचिव कौन है दिल्ली के, तो विजय कुमार है जी। चलिए जी, यहाँ पे राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल का उद्घाटन आपको कहाँ हुआ है, दिल्ली में हुआ है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन कहाँ हुआ है, दिल्ली में हुआ है। मोबाइल का तीसरा कांग्रेस कहाँ हुआ है जी, तो आपको दिल्ली में ही हुआ है। दिल्ली के लोकसभा की सीट कितने हैं, तो 7 है। राज्यसभा की सीट कितने हैं जी, तो 3 है। विधानसभा की सीट कितने हैं, 70 है। आपको बता दें कि जो आप सरकार है ये इसमें से 70 में से 67 जो सीट लाई हुई है और अपना सरकार बनाई हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि आप जो गवर्नमेंट है कितनी ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा की कितनी सीटें लाई है जी। चलिए उसके बाद बात करते हैं, जल प्रवासी कर सम्मेलन कहाँ हुआ है, दिल्ली में हुआ है। हौसला 2018 दिल्ली में। मुख्य सचिव कौन है जी, विजय कुमार देव हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 38वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिल्ली में हुआ है। राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल की स्थापना कहाँ हुई, तो दिल्ली में हुआ है जी। राजेंद्र मेनन यहाँ पे चीफ जस्टिस है। इंडियन एशियन इंफोटेक समिट क्या हुआ है, दिल्ली में हुआ है, जो फिक्की के द्वारा कराया गया है। तो हम लोग दिल्ली स्पेशल के बारे में पढ़ रहे थे, इसलिए दिल्ली के बारे में हम लोग कुछ रिवीजन कर लिए जी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जी। तो चलिए ये हमारा पेपर है, इसमें आप देख सकते हैं जी, इस पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं जी। जो DSSP के क्वेश्चन बच गए थे तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए DSSP का जो क्वेश्चन बचा था उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपको जो, चलिए स्टार्ट करते हैं 32 से। तो यहाँ पे देख सकते हैं बोल रहा है, देखिए पेपर प्रसन्नता पाठ्यक्रम विभिन्न राज्यों में हाल में ही भारत के पहली बार प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए प्रसन्नता पाठक, सॉरी थोड़ा गले में खराश है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल में ही भारत में पहली बार प्राथमिक विद्यालय के विद्यालयों विद्यार्थियों के लिए प्रसन्नता पाठ्यक्रम स्टार्ट किया, तो किसने किया जी, तो दिल्ली ने किया है। प्रसन्नता पाठ्यक्रम दिल्ली ने किया है, जिसने दलाई लामा ने किया था दिल्ली में इसे। और ये जो है अफगान जो है अपने स्कूल में क्या कर रहा है जी, प्रसन्नता पाठ्यक्रम को लागू भी कर रहा है। बात की जाए तो प्रसन्नता मिनिस्ट्री भी बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया है जो, मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस बनाया गया है MP के द्वारा। तो हम लोग इस क्वेश्चन से हम लोग इतना सीखे जी। चलिए अगला है, प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया जाएगा जी, 19 में, तो बनारस में मनाया जाएगा जी। ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा है, तो खुशवंत सिंह ने लिखा है जी। महात्मा गांधी कौन सी संस्था है, भारत सरकार के विभिन्न संस्थान विकास मंत्रालय द्वारा श्रेष्ठता सूची में नहीं रखी गई। देखिए तो बात की जाए तो मानव संसाधन मंत्रालय ली, यहाँ पे आपको बताया है कि भारत सरकार द्वारा रखा गया था जी, कौन कौन सा यूनिवर्सिटी रखा गया था, तो जे मणिपाल एकेडमी को रखा गया था, रिलायंस जियो को रखा गया था, और ITJEE को। तो रिलायंस जियो के आपको रखने पर बहुत सारा बवाल हुआ था, इसीलिए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नहीं रखी गई थी पूछा गया, तो JNU इंस्टीट्यूट जो दिल्ली का है उसे नहीं रखा गया था। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, दिल्ली संवाद के 10वें संस्करण का विषय क्या था। दिल्ली संवाद का जो संस्करण वितरण मैं बता देना चाहूँगा, तो ये भारत और एशियान के समुद्री सहयोग के मजबूत करने के लिए हुआ था जी। इसमें क्या हुआ था जी, जो एशियान के 10 कंट्री उनके साथ क्या हुआ, इंडिया का समुद्री सहयोग को मजबूत कर बात किया गया था जी। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है जी, तो राजीव कुमार है। तो चलिए नीति आयोग आया है तो इसका थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं, इसका रिविजन करते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आई का मीनिंग क्या है, टी का मीनिंग क्या है, तो हम लोग पूरा अगर फुल फॉर्म जानेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जी। नेशनल नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो
एक्स ऑफिशियो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी जो प्रधानमंत्री उस समय रहेगा वही क्या हो जाएगा, नीति आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा। तो कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो अध्यक्ष कौन हो गए, प्रधानमंत्री हो गए जी। उसके बाद सीईओ कौन है, अमिताभ कांत है। पूछता है कभी कभी कि नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे, मैंने प्रथम सीईओ कौन थे, तो कौन थे जी, तो अरविंद पंगरिया थे। डायरेक्टर कौन है नीति आयोग के जी, तो दिनेश अरोड़ा है। नीति आयोग का गठन कब किया गया है, तो 1 जनवरी 2015 में किया गया है। तो हम नीति आयोग के बारे में इतना कुछ सीखे जी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। तो देखिए, किस शहर को राज्य निवेश संभावना सूचकांक के रिपोर्ट में शीर्ष स्थान दिया गया, तो देखिए दिल्ली जो है सबसे ज्यादा वहां पे निवेश की संभावना है, तो दिल्ली है सबसे स्थान पे। दूसरे कहां जी है आपको, तमिलनाडु है जी। चलिए बोल रहा है भारत के खदान प्रसंस्करण में कौन सा कथन सत्य है जी, तो खदान प्रसंस्करण उदाहरण में क्षेत्र में स्वचालित मार्गों के अंतर्गत 100% FDI, हाँ 100% FDI है जी आपको खाद्य प्रसंस्करण में। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अंतर्गत वायु सहित जल और मृदु पेय नहीं आते, आते हैं जी जल और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तो आते हैं आपको खाद्यान्न में, बियर और अनअल्कोहल भी ये भी आते हैं, बियर और जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अल्कोहल से वो भी क्या आते हैं, बीवरेज में आते हैं जी। तो हमारा सेकंड गलत हो जाएगा, तो पूछ रहा है कौन सा सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 3 सही हो जाएगा, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा जी, आंसर हमारा बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री युवा योजना का उद्देश्य क्या है, तो देखिए प्रधानमंत्री युवा योजना को है कि युवाओं को सरकारी नौकरी के अलावा, सरकारी नौकरी में ज्यादा नहीं, उनको उद्यमिता बनाने को ज्यादा प्रोत्साहन किया जाए, क्योंकि युवा ज्यादा नौकरी के पीछे पड़े हैं, इसलिए युवाओं में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री युवा योजना स्टार्ट किया गया है जी। चलिए प्रधानमंत्री सक्षम कार्यक्रम के निम्नलिखित में से संस्था के अंतर्गत आते हैं, तो संसाधन सक्षमता कार्यक्रम यानी आपको ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो UNEP द्वारा किया गया है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम द्वारा। मौसम परिवर्तन हेतु अनुकूलता निधि संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा है सत्य है जी, तो मौसम परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय अनुकूलता में बात की जाए तो ये आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है जी, आता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना कहाँ से स्टार्ट है, तो 12 से 17 तक है जो आपको ये आपको आता है। बात की जाए तो ये सीडबी के योजना के अंतर्गत किया, नहीं ये सीडबी के द्वारा नहीं किया गया, किसके द्वारा किया गया है जी, नाबार्ड के द्वारा किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल ई हो जाएगा, बी आपका गलत हो जाएगा। चलिए जी, जब नाबार्ड आया है तो नाबार्ड के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है जी, नेशनल क्या होता है जी, नेशनल एग्रीकल्चर, सॉरी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, क्या होता है जी, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ जी, तो मुंबई में है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का आपको क्या किया गया था जी, इसका कंस्ट्रक्शन बनाया गया था, और इसके हेड कौन है जी, चेयरमैन कौन है, तो हर्ष कुमार भानवाला है जी। तो हमने नाबार्ड के बारे में इतना कुछ जाना जी। बात की जाए तो नाबार्ड और जो GCF है, ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ये जो है रूफ टॉप सोलर एनर्जी के लिए क्या किया है जी, एक कंबाइंड परियोजना चलाए हैं, रूफ टॉप सोलर एनर्जी प्रोग्राम, जिसमें क्या होता है कि रूफ जो सोलर प्लांट लगाने हैं, रूफ पे छत पे लगाने हैं, उसको क्या क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। तो नाबार्ड के द्वारा ये भी आप लोग याद रखिए जाएगी, करंट अफेयर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की बोलते हैं, हिंदी भाषा को रूप में बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री है जी, जो उस समय प्रधानमंत्री रहेगा वही क्या हो जाएगा, हिंदी लंबित किसके साथ होता है, सशस्त्र का साथ होता है जी। मैं बता देना चाहूँगा कि मैंने मिलिट्री एक्सरसाइज का एक वीडियो बना रखा है, सारे उसमें डिस्कस कर रखे हैं, आप उस वीडियो को जाएं और देखें। ये आपको मेरे पुराने वाले चैनल जो जीनियर स्टडी नहीं, ऑनलाइन रेलवे स्टडी चैनल पे जो आपको करंट अफेयर का प्लेलिस्ट है मैंने वहाँ पे बना रखा है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं जी। और बात की जाए तो मैंने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का एक प्लेलिस्ट बना रखा है, इलेक्ट्रिकल का बना रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बना रखा है, आप जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं जी सारी वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएं। मैं बताना चाहूँगा कि इस वीडियो का व्यू बहुत ही कम हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू मिले और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो। आप भी चाहते हैं इस वीडियो को कंटिन्यू किया जाए, देखिए मेरा तरीका पढ़ाने का अलग है, मैं क्वेश्चंस को ही डिस्कस करता हूँ जो क्वेश्चन आए हुए और अभी जो आए हुए आपको पेपर, और आप भी कोई एग्जाम देते हैं और आपके पास भी कोई एग्जाम का पेपर है, तो आप पेपर को मेरे पास ईमेल कर सकते हैं और मैसेज छोड़ दीजिएगा, आपको यूट्यूब पे मैसेज छोड़ दीजिएगा जी, या मेरे फेसबुक, देखिए आप डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से यूट्यूब के किसी वीडियो पे भी मेल छोड़ सकते हैं, और मुझे आप पेपर को ईमेल कर सकते हैं, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, उस पेपर को मैं क्या सकता हूँ आगे डिस्कस कर सकता हूँ, और आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद होगा। चलिए तो डिस्कस करते हैं, इसके सहयोग सबके सहयोग से ही ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है जी, और ये प्रोग्राम मुझे भी लग रहा है कि बहुत अच्छा सक्सेस हो रहा है, इसको सक्सेस करने की
और भी जरूरत है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को मेरी रिकमेंड करें जी। चलिए, ऑल इंडिया रेडियो के प्रादेशिक चैनल के अधिकांशतः जो होते हैं किसके द्वारा किया जाता है जी, तो शॉर्ट वेव द्वारा किया गया है, लेकिन कुछ रीजनल है उसको किसके द्वारा किया जाता है जो? तो मीडियम वेव द्वारा भी किया जाता है। तो क्या जाएगा इसका आंसर? मध्यम तरंगे हो जाएगा जी। 24 अंश रणनीति किससे संबंधित है? तो बात की जाए 24 अंश रणनीति जो है आतंकवाद नक्सलवाद जो है उससे रिलेटेड है। नक्सल जो होता है हमारे कंट्री के अंदर होता है, और आतंकवाद जो होता है क्या होता है जी, जनरली अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है, लेकिन नक्सलाइट किससे होते हैं जी, रीजनल इशू वाले हैं जी। याद रखिएगा किस किस नक्सलाइट और आपको आतंकवाद दोनों में डिफरेंस नहीं समझ में आता है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। बोल रहा है एकीकृत मार्गदर्शक मिसाइल विकास योजना के अंतर्गत इनमें से कौन सी मिसाइल विकसित की गई? देखिए हमारे यहाँ क्या किया गया जी, अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, एक सब स्टार्ट किया गया है। ये हमारे देख लीजिए तो ऑप्शन में कौन सा नहीं है जी, तो बराक और अस्त्र नहीं है। तो क्या हो जाएगा? बराक और अस्त्र नहीं है तो 1 और 4, यानी 1 सही चुनना है तो 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 4 नहीं होगा जी। तो यहाँ से देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा 1767 में स्थापित भारत सरकार की प्राचीनतम विभाग है जी? तो प्राचीनतम विभाग बात की जाए तो कौन सा है जी, तो भारतीय सर्वेक्षण है जी। ग्राम संसाधन केंद्रों में निम्नलिखित क्वेश्चन में ग्राम संसाधन केंद्र किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो इसरो द्वारा किया गया है जी। तो ग्राम के संसाधनों का नक्शा बनाने हेतु ग्राम, हाँ ये किया गया है। दूरस्थ ग्रामों का विकास ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया है जी। उपग्रहण के आंकड़ों द्वारा अभ्यत, हाँ हाँ जी, इसका आपको किया गया इसरो के द्वारा, और उपकरण के हेल्प से, उपग्रह के हेल्प से हम लोग को क्या बनाना है जी, जो आपको बहुत सारे आपको देखना है कि कौन से फसल किधर हुआ है, किधर नहीं हुआ है, किधर आपको कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है त्रासदी के समय, बाढ़ के समय, आंधी के समय, तो आपको क्या कर सकते हैं इसकी हेल्प से हम लोग को इसरो क्या जाएगा, इन्फॉर्मेशन देगा, जिससे हमारे गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा अलर्ट रहेगी जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसलिए हमारे देखिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा जी, सेकेंड तो गलत हो जाएगा और थर्ड सही हो जाएगा। ग्राम संसाधन के नक्शा बनाने तो ग्राम पंचायत से नहीं रिलेटेड है, ये इसरो का है, तो आपको केवल थर्ड और सही हो जाएगा, केवल थर्ड। चलिए जी, बात की जाए 1767 में सबसे प्राचीन विभाग कौन है, तो भारतीय सर्वेक्षण है जी, सर्वे ऑफ इंडिया है आपका। यहाँ तक आपका DSSB का डिस्कस हो चुका है। चलिए जी, अब आगे क्वेश्चन डिस्कस हम करेंगे जो आपको यूपी वाले आए हैं, यूपी वाले क्षेत्र से जो आए, जो यूपी में आया हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे जी और इसे समझेंगे जी। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। ये आपको यूपी में जो आया हुआ है, यूपी स्पेशल मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन जो देना था मैंने आपको दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं वीडियो को, और इसका जो बाकी क्वेश्चन रह गया था उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जी, क्योंकि आपको भी पता है जो फॉरेस्ट विभाग वाला था उसमें दो पेपर हुआ है जी। तो चलिए अगले डिस्कस कर लेते हैं। बोल रहा है कि तो इसमें हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। तो DSSB का तो हमारा खत्म हो गया, ये आपको यूपी के फॉरेस्ट गार्ड में, उसमें भी आपको फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में भी हुआ था जी इसको। तो कुछ क्वेश्चंस रह गए, उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। बोला किस स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य को मानद उपाधि दी थी? तो लोकमान्य को किसको उपाधि दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को दिया गया था। लाल बाल पाल क्या थे? एक्सट्रीमिस्ट थे नेता, ये क्या थे? गरम दल के नेता थे आपको कांग्रेस में, तो इसलिए बाल गंगाधर तिलक को आप लोग यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया गया था? करो या मरो का नारा क्या, भारत छोड़ो आंदोलन से जो 42 में हुआ था उसके समय दिया गया था जी। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डेस्ट पहुंचे। देखिए SS सफारी द्वारा जो है आपको कहाँ पहुंचे थे? डरबन में पहुंचे थे, और डरबन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइटहुड की उपाधि देखिए किसको दिया जाता है, जिसके आगे सर लग जाता था उसको नाइटहुड की उपाधि बोलते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी गई थी, और जालियांवाला बाग नरसंहार के सम्मेलन क्या किया था? वापस कर दिया था। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन में बाहर बस्ती नामक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी, डरबन के शहर के बाहर स्थापित की थी। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम फिनिक्स है। और मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही टफेस्ट है, और UPSC में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जी, तो ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? पीर पंजाल कहाँ जी? तो जम्मू कश्मीर में है। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है? भारत की सीमाएं आप देख सकते हैं किस किस से लगती है, पाकिस्तान से लगता है, अफगान से लगता है, चाइना से लगता है, नेपाल से लगता है, भूटान से लगता है, म्यांमार से लगता है, बांग्लादेश से लगता है जी। तो हम इतने कंट्री बोल सकते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, तो 7 हो गए जी टोटल। मंसर जुरंग चोरू नारलाई शहर किससे रिलेटेड है जी?
बात की जाए मानसर चुरा मानसर डुरंग चुनरू नरलाई शहर भारत के किस राज्य से है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ इसको, तो ये राजस्थान से रिलेटेड है। चलिए आगे क्वेश्चन, त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण और पश्चिम ढलाई और ऊनाकोटी राज्य से जिले से, ढलाई और ऊनाकोटी, त्रिपुरा इज सराउंडेड बाई, देखिए त्रिपुरा बोला है उत्तर दक्षिण और पश्चिम में जैसे जैसे घिरा है, तो आपको उत्तर दक्षिण और पश्चिम में, उत्तर दक्षिण और पश्चिम में किसे घिरा है जी, त्रिपुरा घिरा है ना, तो त्रिपुरा आपको किससे घिरा होगा, चीन से तो नहीं हो सकता है जी, म्यांमार थाईलैंड बांग्लादेश, तो म्यांमार से आंसर हो जाएगा इसका 89 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 आते हैं, बोला ढलाई और ऊनाकोटी राज्य राज्य के जिले हैं, तो ढलाई और ऊनाकोटी ये थोड़ा त्रिपुरा से है जी, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा याद रखिएगा, या थोड़ा सा दिक्कत होती है, देखिए ढलाई और ऊनाकोटी अब डिस्ट्रिक्ट याद करना है तो ये त्रिपुरा से है, लेकिन इसको तो याद करना पड़ेगा जी। आप ऊपर वाले क्वेश्चन का मैंने आंसर गलत दिया था जी, आप देख सकते हैं वहां पे क्या हो जाएगा जी, बांग्लादेश। पोर्ट ब्लेयर डैश डैश की राजधानी, पोर्ट ब्लेयर कहाँ की राजधानी है, तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का राजधानी का क्या नाम है जी, तो पोर्ट ब्लेयर है, आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुरमुरगांव बंदरगाह भारत के किस राज्य में है, तो मुरमुरगांव बंदरगाह भारत के किस राज्य में है, इसको हमको बताना है जी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन है गुजरात उड़ीसा महाराष्ट्र गोवा, मुरमुरगांव थोड़ा सा इसमें हमको डाउट है तो इसको मैं बताऊंगा गोवा। चलिए जी आगे क्वेश्चन चलते हैं जी, क्वेश्चन अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जी, तो क्वेश्चन अपडेट आप देख सकते हैं विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO नीतिगत आयोग की बैठक के 8वां सत्र में आयोजित किया गया है, और ये कहाँ किया गया है आपको ये बताना है जी, तो मैं समझता हूँ कि आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका ऑप्शन देंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे जी, तो थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, एंजॉय योर लाइफ। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी कमेंट करें, अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो उसके बगल का बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको पल पल की नोटिफिकेशन मिल सके, और जब भी मैं वीडियो प्रीमियम करूं आप उसका रिमाइंडर क्या करें ऑन करें। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर लाइफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।